सुनिए सबसे पहली चीज, सर्कल। सबसे पहले सर्कल होता क्या है? सबसे पहले सर्कल होता क्या है? ये डेफिनेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। जैसे एक पॉइंट फिक्स हो गया तो इसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंटों की कलेक्शन जो इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है उसे हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। और इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहां से आगे जो चीज हमने समझनी है वो चीज क्या समझनी है कि भाई इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको इक्वेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस इक्वेशन को बनाने की, समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले जस्ट सपोज वी आर हैविंग दिस सर्कल, किसी प्लेन में ये सर्कल होगा। ओके, कार्टेशियन प्लेन हमने बना दिया है, ये इस सेंटर के वो कोऑर्डिनेट हो गए हैं, जिसे हम जनरली क्या बोलेंगे? एच और के। एच और के जो सर्कल का सेंटर है। अब जो पॉइंट इस पे लाई करने वाला है वो तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस पॉइंट विल बी नोन एज एक्स वाई। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये सर्कल की क्या कहलाएगी? रेडियस, आर, आर ए डी आई यू एस, रेडियस। ये हो गया सेंटर, ये हो गया ए पॉइंट लाइज ऑन सर्कल। ठीक है, अब इसके आगे की बात क्या है जिसे यहां पे हमने आर नाम दिया, यहां ऊपर दे दिया। ये कितने ही हो आपके, ये कितने ही पॉइंट यहाँ पे हो सकते हैं, ये एक्स वाई की वैल्यू होंगी। और यहाँ पे आपकी सभी में ये क्या काम करेगा? आर का काम करेगा। अब अगर मैं इन दोनों से इसका डिस्टेंस निकाल लूं तो मेरे पास क्या निकाल के आता है? ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ओ ए जिसे सर्कल की रेडियस के नाम पे जाना जा सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r। अब दोनों तरफ स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज विल बी द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच पासिस थ्रू फ्रॉम एक्स वाई एंड हुज सेंटर इज एच के। बात क्लियर हो गई? यहां इस चीज में किसी ने कुछ पूछना हो? ओके, फिर आगे चलते हैं। इसके बिहाव पे आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपकी इस एक्सरसाइज में, इस पहली एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये मैं इसके अलावा जो हमारी नीचे इक्वेशन बनी थी इन सारों को मैं इरेज कर दे रहा हूं। एक बार सारे को करके इक्वेशन ही दोबारा लिख लेंगे। ये हो गया आपका सेंटर, अगर एच के है, रेडियस आर है, तो इक्वेशन होगी एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब पहले वाले में सेंटर दे दिया है 0, 2, तो इसे लिख सकता हूं मैं 0, 2। रेडियस दे दी है 2। अब इन्होंने कह दिया भाई सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करो, कर देंगे भाई x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस हो गई 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y।
यहाँ कई बार बच्चे स्केयर प्लस बी स्केयर कर देते हैं खाली, वो नहीं करना, वो पूरी आइडेंटिटी लगेगी। इसमें जीरो था तो इसलिए सिर्फ एक्स स्केयर खाली आया। इक्वल्स टू फोर, फोर से फोर कैंसल हो गया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो, इट विल बी योर आंसर। शायद सबको समझ में आ गया हुआ। अगला है एच के आर, एक्स प्लस टू का स्केयर वाई माइनस थ्री का स्केयर इक्वल टू फोर का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस फोर प्लस फोर एक्स, वाई स्केयर प्लस नाइन प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे माइनस नाइन सिक्स वाई इक्वल टू सिक्सटीन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई, और ये नाइन और फोर थर्टीन हो गए, ये इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो इज योर आंसर। ये भी हो जाएगा x माइनस वन बाई टू का स्केयर प्लस y माइनस वन बाई सिक्स क्वेश्चन करवा दो। हाँ फिफ्थ पे आ जाते हैं, सिर्फ बता देता हूँ, y वन बाई ट्वेल्व का स्केयर, ऐसे इधर रूट टू का स्केयर आ जाएगा टू। अब आती है बात इसकी, कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। अब इसमें भी हम सीधा पुट करते जाएंगे, पुट हमें क्या करना है एक बार कर देते हैं इसको। अब ये है h, ये है k, तो x प्लस a का स्केयर y प्लस b का स्केयर इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर, अंडर रूट में था तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसल हो गया, x स्केयर प्लस a स्केयर प्लस 2ax y स्केयर प्लस b स्केयर प्लस टू बी वाई इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू ए एक्स प्लस टू बी वाई प्लस बी स्केयर इक्वल टू जीरो इज योर आंसर। तो आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। आगे टू बी स्केयर होगा क्या? हाँ ये बी स्केयर, ये इधर वाला भी था बेटा, ये इधर आके प्लस दोनों मिल गए तो टू बी स्केयर नेट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें हमें क्या करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो एक्स प्लस फाइव का स्केयर प्लस वाई माइनस थ्री का स्केयर इक्वल टू सिक्स का स्केयर लिख सकता हूं, जर्नल फोरम में चेंज करना है और कुछ नहीं करना। तो यहां से एच के की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, फाइव माइनस फाइव थ्री, और रेडियस की वैल्यू आ गई है सिक्स इज योर आंसर। सिक्स यूनिट्स डाल दीजिए, सिक्स भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ये बड़ा इजी। अब बात आती है इनकी, इनको किस तरीके से सोल्व करना है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई माइनस फोर्टी फाइव इक्वल टू जीरो, मुझे क्या करना है, कंप्लीटिंग स्केयर जो मेथड यूज करते थे आप टेंथ में उसका एप्लीकेशन करनी है। एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, वाई स्केयर माइनस एट वाई और फिर फोर्टी फाइव लिख नहीं रहा हूँ, इसको भी चाहे वैसे इधर लिख लीजिए कोई बात नहीं। मुझे प्लस की वैल्यू चाहिएगी, प्लस यहां देखेंगे हम क्या करते थे, इसका हाफ करते थे, फोर का आधा टू, टू का स्केयर फोर ऐड करना है, फोर सब्ट्रैक्ट करना है, फोर इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, प्लस का सिंबल ऐसे का ऐसे, यहां मैंने फोर एडिशनल ऐड किया तो फोर एडिशनल सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, ऐसे ही इसमें एट का हाफ करेंगे, एट का हाफ करेंगे फोर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसका हाफ कर रहे हैं क्योंकि एक्स स्केयर और वाई स्केयर का कोफिशियंट वन था, और हमेशा इसको वन बना लो ताकि कोई दिक्कत ना आए। पक्का आपके इसमें ऐसे मिलेंगे कि भाई सबका, जैसे इसमें है टू टू है तो टू से डिवाइड कर लेंगे इसको, अभी उसमें आएंगे तो और बता दूंगा आपको।
8 का आधा किया 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 ही सबट्रैक्ट कर दिया और इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर है, और मैं इसको सिंप्लीफाई करके उधर लेके जाता हूं तो कितना हो गया भाई टोटल 65 हो गया शायद। अब इसको मैं लिख सकता हूं रूट 65 का स्क्वायर एच के, जिसे हम क्या कह रहे हैं सेंटर, इट इज 2 4, जिसे हम रेडियस कह रहे हैं आर, रूट 65 योर आंसर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, तो थर्ड पार्ट खुद करेंगे मैं अब आपको, 8th क्वेश्चन मतलब, और 9th क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। 2x² + 2y² - x = 0। सबसे पहला काम क्या कर लो, 2 से डिवाइड कर लो सबको, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, x² + y² - 1/2x = 0। 0 को तो किसी से डिवाइड कर लो, 0 ही रहेगा, उसमें तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद पहला काम क्या करते थे भाई, इकट्ठा कर लेते थे -1/2x + y². अब 1/2 का आधा 1/16, 1/16 ऐड करना है, 1/16 सबट्रैक्ट करना है, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2y में कोई दे ही नहीं रखा, तो इसे तो मैं कर दूंगा x - 1/4 का स्क्वायर, इसे कर दूंगा y - 0 का स्क्वायर, और 1/16 इधर हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, इधर माइनस का था उधर प्लस हो जाएगा, तो एच के जो सेंटर है वो आ गया है 1/4 0। इसके बाद रेडियस जो आ गई है वो आ गई है 1/4। आंसर समझ में आ गया है। चलिए फिर आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू फ्रॉम दिस एंड दिस हुज सेंटर लाइज ऑन दिस। अब भाई ये बनाया मैंने एक सर्कल, ये पास कर रहा है 4 1 के अंदर से, 6 5 के अंदर से, ये सेंटर है, एक लाइन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एक लाइन की इक्वेशन होती है ना, जो इस सेंटर के अंदर से पास कर रही है 4x + y = 16। अब भाई मैं देखो काम है, जर्नल के लिए तो मैं एच के ही मानता, लेकिन मैं उसे अब क्या ले रहा हूँ, एक्स वाई ले रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई इस पे लाई करता है। मान के चलते हैं ये पॉइंट एक्स वाई है जो इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, और साथ में ये वैल्यूज भी है, या फिर यहाँ पे एच के ही ले लीजिए अगर उसी पे चलना चाहते हैं आप, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे ओ ए, फिर निकालेंगे ओ बी। अब ओ ए इक्वल टू ओ बी मतलब मैं क्या कह सकता हूं, x - 4 का स्क्वायर y - 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इधर भी स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। x - 6 का स्क्वायर + y - 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, x² + 16 - 8x y² + 1 - 2y = x² + 36 - 12x y² + 25 - 10y। समझ में आ गया यहां तक सबको, x² से x² कटा y² से y² कट हो गया। ये है माइनस का 8x, ये है प्लस का 12x, इधर आके 4x प्लस के हो गए। ठीक है, अब
इधर है प्लस का 10y, इधर है माइनस का 2y, इधर आके प्लस के 8y हो गए। अब ये है 16 और ये है 17 हो गया, इधर ये है 25 और ये है 36, कितना हो गया 61 माइनस 17, कितना बचा भाई शायद 44 बच गया। अब 4 से कंप्लीट को डिवाइड कर सकते हैं, तो x प्लस 4y इक्वल टू 11। अब देखिए बेटा, ये नंबर 2 इक्वेशन है, ये नंबर 1 इक्वेशन है। अब ये जो एक्स वाई पॉइंट है, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। 4x प्लस y इक्वल टू 16, x प्लस 4y इक्वल टू, एक काम करिए बेटा, इसी को ले लीजिए आप सेकंड, मल्टीप्लाई मत कीजिए, ओकर डिवाइड मत कीजिए, क्योंकि सिंपल हो जाएगा आपका ये 8y, फिर आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। माइनस 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 कैंसिल कर दीजिए, माइनस 7y इक्वल टू, माइनस 28, वाई से वाई, 7 4 जा, वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 12 3, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, तो उसका सेंटर क्या रहा होगा ये। अब सेंटर मेरे पास आ चुका है, ठीक है, अब मुझे तो इक्वेशन निकालनी है, लेकिन उसके लिए मुझे रेडियस भी चाहिएगी भाई। रिस्का पॉइंट की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है 3 4, ठीक है, मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे ये आर निकालनी है, आर विल बी इक्वल टू 4 - 3 का स्केयर, 1 का स्केयर, 3 का स्केयर, 3 का 9 √10, रेडियस आ गई, सेंटर आ गया, एक्स माइनस 3 का स्केयर प्लस वाई माइनस 4 का स्केयर इज इक्वल टू 10, सिंप्लीफाई कर दीजिए, इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, सिर्फ पॉइंट बदल गया है, इक्वेशन बदल गई है और कुछ नहीं बदला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5 एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब ये भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रेडियस है 5, पास कर रहा है 2 3 से, एक्स एक्सिस पे सेंटर लाई करता है, तो वाई 0 हो गया, बस इसको बराबर रखेंगे, एक्स माइनस 2 का स्केयर प्लस वाई, सॉरी 0 कर लीजिए, 0 - 3 का स्केयर इक्वल टू 5 का स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 4 - 4x प्लस 9 इक्वल टू 25, इधर ले आइए, एक्स की दो वैल्यू जनरेट होंगी तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, याद रखना। सेंटर हो गया, रेडियस हो गई, सर्कल की इक्वेशन निकालनी अब मुश्किल काम नहीं है। जैसे इस एच के आ जाए, आर आ जाए, फॉर्मूले में पुट करो, एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस वाई माइनस के का स्केयर इक्वल टू आर का स्केयर, क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू फ्रॉम ओरिजिन एंड इंटरसेप्ट बना रहे हैं ए और बी विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हो गया आपका सर्कल जो पास कर रहा है सेंटर के अंदर से, ठीक है, ये पॉइंट ए जीरो है, ये पॉइंट 0b है। बाकी देखो निकालने के लिए तो मैं सेंटर से ऐसे भी निकाल लूंगा, इक्विलेट रखे यहां से, लेकिन एक मुझे पता है अगर किसी सर्कल में राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो वो सर्कल का डायमीटर होता है, और ये हो गया मिड पॉइंट, तो सेंटर आ गया ए बाई 2 बी बाई 2, एक्स माइनस ए बाई 2 का स्केयर प्लस वाई माइनस बी बाई 2 का स्केयर, और रेडियस कितनी है भाई, ए ले लो या बी ले लो, सॉरी ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सॉरी ये आपका रह गया ए बाई 2 का स्केयर प्लस बी बाई 2 का स्केयर, और इसका स्केयर ये इधर का स्केयर रूट के साथ हमारा आर स्केयर था, तो स्केयर करेंगे, ये खत्म हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है,
याद रखना, फिर बता रहा हूँ, सर्कल में अगर राइट एंगल कोई ट्राइंगल बन रही है, तीनों वर्टेक्स उस पे हैं, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगी 90 के सामने जो होगी, नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी, ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, सेंटर ये है, पास इसमें से कर रही, भाई दोनों को निकालेंगे तो रेडियस निकल आएगी, ये दे रखा, एक में फिगर जरूर बनाए, ये है 2 2 और ये आपका है 4 5, आर निकाल लेंगे, 4 - 2 2 का स्केयर, 5 - 2 3 का स्केयर, 4 + 9 √13 आ गई रेडियस, सेंटर हो गया, ये इक्वेशन निकल गए। अब सुनिए भाई, ये एक इक्वेशन है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 25। इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ y-0 का स्केयर इक्वल टू 5 का स्केयर, तो रेडियस मेरे पास आ रही है 5 और सेंटर आ रहा है 0 0। इसने क्या कहा, ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा, भाई सीधी सी बात है, 0 0 -2.5 3.5, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, मतलब 2.5 का स्केयर प्लस 3.5 का स्केयर और उसका स्केयर रूट। अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी आई तो मतलब रेडियस से बड़ी हो गई, सर्कल के बाहर गया। अगर ये वैल्यू 5 से छोटी आई तो सर्कल के अंदर रहा, इनसाइड हो गया, और अगर 5 आ जाए तो ऑन द सर्कल हो गया। ओके, वो तो फिर इसमें पूछा ही नहीं, अच्छा लिखा हुआ ऑन द सर्कल भी लिखा हुआ भाई। तो ये चीज, हम तीनों चीजें चेक करेंगे कि अगर इक्वल टू 5 ऑन सा सर्कल, लेस देन 5 इन साइड, ठीक है, ये वैल्यू 5 से बड़ी आ जाए तो आउटसाइड। क्लियर हो गया, ठीक है? यस सर। अगली जो उसमें पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में। पैराबोला आपने पढ़ा था ना, किसका ग्राफ होता है पैराबोला, किसका होता है ग्राफ, पॉलीनोमियल के ग्राफ को पैराबोला बोला जाता था। उसकी इक्वेशन कैसे बनती है, किस किस टाइप के पैराबोला हो सकते हैं, वे सारे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर एक्सरसाइज में। उसकी इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, एनी पॉइंट, लाइज ऑन सर्कल क्या होता है, डिस डायरेक्ट, ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे। एक्सिस क्या है, कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, ये काम फिर हम अगले एक्स में ही करेंगे। इसमें सिर्फ थोड़ा सा आपने देखना है, 4 टाइप के पैराबोला होंगे, उनको थोड़ा सा देख लेना। साइंस वाले बच्चों को तो ये थोड़ा सा पता ही होगा वैसे। ओके, तो आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।